नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं धनु राशि का मासिक राशिफल लेकर। जुलाई का मासिक राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा, हर एक विषय पर आज मैं आपको बताऊंगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका करियर, आपका भाग्य, आपका बिजनेस, ये सब कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। चार ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा दोस्तों जुलाई के महीने में। 7 जुलाई को बुध ग्रह का, 16 जुलाई को सूर्य का, 17 जुलाई को शुक्र का और 20 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब ये सारे ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे, क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या आपको उपाय करने हैं, यह सभी कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि और आपकी नाम की राशि पर आधारित रहेगा। करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। जुलाई के महीने में आपकी राशि से जो ग्रहों की उपस्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। राशि स्वामी बनते हैं देवगुरु, थर्ड हाउस में है, सेकेंड हाउस में है शनिदेव, सिक्स हाउस में है बुध के साथ में राहु, सेवंथ हाउस में सूर्य और एट्थ हाउस में रहेंगे शुक्र और मंगल। सबसे पहले हम जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, बुध और राहु छठे घर में, एट्थ हाउस में मंगल के साथ में शुक्र, सूर्य आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और गुरु थर्ड हाउस में। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी आपको थोड़ी बहुत रखनी होगी, क्योंकि चार ग्रह आपके त्रिक भाव में जाकर दोस्तों बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, थोड़े बहुत खर्चे आपके हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में हो सकते हैं, वहां पर आपको ध्यान रखना है। और अगर पहले से ही आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब चल रहा है या थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है तो आपको सावधान रहना होगा जुलाई के महीने में। लेकिन 20 जुलाई के बाद से जो भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। और अगर वहीं हम बात करें आपके शिक्षा से संबंधित चीजों में, तो दोस्तों पंचम के मालिक बनते हैं आपके मंगल देव और जाके बैठे हुए एट्थ हाउस में 20 जुलाई तक, ये सही नहीं है। अगर 20 जुलाई तक आपका कोई एग्जाम है तो मैं कहूंगा आपका मन डाइवर्ट हो सकता है, पढ़ाई से आपका मन जो है वो थोड़ा भटक सकता है और कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीजों में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है 20 जुलाई तक, क्योंकि मंगल देव 20 जुलाई तक एट्थ हाउस में और एट्थ हाउस अच्छा नहीं माना जाता। एट्थ हाउस को जब मंगलदेव आपकी सिंह राशि में गोचर करेंगे तब आपके लिए पढ़ाई को लेकर अच्छा होगा और वहीं लव लाइफ को लेकर भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो थोड़ा बहुत संभल कर आपको चलना होगा जुलाई के महीने में, खासकर 20 जुलाई से पहले। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में बिना वजह का तनाव, आपस में बिना वजह का क्रोध होना, यह आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है। वहीं अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपकी मैरिड लाइफ की, दोस्तों सेवंथ हाउस होता है हमारे वैवाहिक जीवन का, सेवंथ हाउस के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, छठे घर में राहु के साथ में है, लेकिन 7 जुलाई को बुध ग्रह आपके सेवंथ हाउस में जाएंगे। 7 जुलाई के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा देखा जाएगा, आपस में तालमेल बहुत अच्छे देखे जाएंगे। काफी समय से वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी हुई थी या फिर किसी कोर्ट कचहरी की वजह से परेशान थे, किसी इलीगल चीजों की वजह से परेशान थे, पार्टनरशिप की वजह से परेशान थे, तो 7 जुलाई के बाद जब बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपस में तालमेल अच्छे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में बिना वजह की अनबनी बनी हुई थी आपके वैवाहिक जीवन में, तो वो चीजें यहां पर सही होती हुई देखी जाएंगी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, विवाह का शुभ समय जुलाई से लेकर आपके लिए अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहेगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको फायदा बहुत अच्छा देखा जाएगा। बिजनेस करते हैं धनु राशि वाले व्यक्ति तो बिजनेस में 7 जुलाई के बाद से प्रॉफिट आपको होने लग जाएंगे धनु राशि वाले व्यक्तियों को। अगर मैं आपके भाग्य की बात करूं और आपके करियर की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य के मालिक बनते हैं सूर्यदेव और कर्म क्षेत्र के मालिक बनते हैं बुध ग्रह। दोस्तों, भाग्य के मालिक सूर्यदेव आपके सेवंथ हाउस में है, लेकिन 16 जुलाई के बाद एट्थ हाउस में जाएंगे। अगर किसी भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
किसी भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो 16 जुलाई के बाद आप मत करिएगा, क्योंकि सूर्य देव आपके 8th हाउस में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स, अड़चने, रुकावटें आ सकती हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर नौकरी सर्च कर रहे हैं कुछ धनु राशि वाले, तो 16 जुलाई से पहले पहले आपको मिल सकती है। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्यदेव 8th हाउस में जाएंगे, रुकावटें भी होंगी, अड़चने भी होंगे और परेशानी भी कहीं ना कहीं आपको आ सकती है दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव 8th हाउस में है। कर्म क्षेत्र की बात करूं, करियर की बात करूं अगर मैं, तो करियर के लॉर्ड बुध ग्रह आपके 7th हाउस में जाएंगे 7 जुलाई को, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका करियर। करियर में आपको उन्नति मिलेगी, एक नया रास्ता देखने को मिलेगा, नए प्रमोशंस आपको मिलने की संभावनाएं हैं। अगर कोई नौकरी सर्च कर रहे हैं तो जुलाई के महीने में 16 जुलाई से पहले पहले नौकरी मिलने की संभावनाएं रहेंगी। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूं, शनिदेव आपके धन स्थान के मालिक दोस्तों, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लाभ स्थान के मालिक हैं शुक्रदेव, बहुत अच्छा रहेगा आपका फाइनेंशियल, आपको लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जब 17 जुलाई को शुक्र ग्रह आपके 9th हाउस में जाएंगे, तब आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, इनकम आपकी बहुत अच्छी गेन हो जाएगी। बिजनेस करते हैं तो डेली इनकम में फायदा बहुत अच्छा होगा 17 जुलाई के बाद से। क्या आपको सावधानियां रखनी है दोस्तों? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, आपको अपने पेशेंस लेवल पर ध्यान देना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखना है, अपने गुस्से पर आपको ध्यान रखना है। और क्या आपको उपाय करने हैं? सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, गुरु के बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सर गुरुवे नमः। सूर्यदेव को जल यानी कि सूर्यदेव को अर्घ आप जरूर दीजिए, और साथ में चंद्रमा का बीज मंत्र कीजिए, ओम सलाम श्रीम सरोम सर चंद्रमा से नमः, सूर्यास्त हो जाने के बाद 108 बार। कैसी लगी आपको दोस्तों वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।